चलिए अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कुछ और लेटेस्ट खबरें फटाफट अंदाज में। प्रियंका चोपड़ा के पति और हॉलीवुड स्टार निक जोनस की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है। ये डॉक्यूमेंट्री केवल निक पर नहीं बल्कि जोनस ब्रदर्स पर होगी। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर काम जोरों से चल रहा है। ये अमेजन प्राइम वीडियो के लिए बनाई जा रही है। अमिताभ बच्चन ने अपनी लग्जरी रोल्स रॉयल कार बेच दी है। इसे साल 2007 में डायरेक्टर विनोद चोपड़ा ने बिग बी को गिफ्ट किया था। बताया जा रहा है कि इस कार की कीमत 3.5 करोड़ रुपए। हालांकि अमिताभ ने कार को किस कीमत पर बेची और क्यों बेचा इसका खुलासा नहीं हुआ है। खबर है कि करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पत्नी काजोल के संग पहुंचे अजय देवगन की हाजिर जवाबी के कारण उन्हें एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार बतौर गिफ्ट मिली है। अजय देवगन ने अपनी नई कार ऑडी A5 के साथ तस्वीर भी क्लिक कराई। इस कार की कीमत 54 लाख रुपए बताई जा रही है। करीब एक साल से फरहान अख्तर और सिंगर मॉडल शिवानी डांडेकर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। खबर है कि दोनों अप्रैल एंड में शादी करने वाले हैं। इनका लव अफेयर काफी सुर्खियों में रहा है। कुछ वक्त पहले ही इन दोनों ने रिलेशनशिप में होने की बात कबूल की थी। अर्जुन रामपाल अपनी एक्स वाइफ महर से अलग होने के बाद साउथ अफ्रीकन मॉडल गैब्रियला डेमेट्रियडियस को डेट कर रहे हैं। करीबी सूत्रों से अब हमें ये पता चला है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रियला के साथ बांद्रा के पॉली हिल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। अर्जुन की एक्स पत्नी महर अपने पुराने घर में अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है। आयुष्मान खुराना अब दबंग रोल में दिखाई देंगे। वो डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की फिल्म में IPS ऑफिसर बनेंगे। फिल्म का नाम आर्टिकल 15 होगा, जिसका पहला लुक रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में वो उत्तर प्रदेश पुलिस का रोल प्ले करेंगे। फिल्म की शूटिंग लखनऊ में चल रही है। खबर थी कि दीपिका पादुकोण को संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म में साइन किया जा रहा है, जिसमें सलमान खान लीड रोल में है। लेकिन सूत्रों की माने तो दीपिका इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। बताया जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म के लिए किसी नए फेस की तलाश कर रहे हैं। संगीतकार बप्पी लाहड़ी ने हाल ही में पुष्टि करते हुए बताया है कि इस साल उनकी बायोपिक रिलीज हो सकती है। बप्पी लाहड़ी इस बायोपिक में रणवीर सिंह को अपनी भूमिका निभाते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि वेब सीरीज का क्या फॉर्मेट होगा इसका खुलासा नहीं हुआ है। ऋषि कपूर पिछले साल सितंबर से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रह रहे हैं। वो अपनी किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। अब उनके फैंस के लिए खुशखबरी है कि उनका इलाज सफल हो गया है और बहुत ही जल्द पत्नी नीतू कपूर के साथ भारत वापसी कर सकते हैं। जाह्नवी कपूर का आज 2200 जन्मदिन है। अपने जन्मदिन से एक दिन पहले जाह्नवी कपूर ने प्रयागराज में गंगा आरती की। वो वाराणसी की गलियों में देशी फूड का आनंद लेते हुए भी नजर आई। इस मौके पर उनके पापा बोनी कपूर और बहन खुशी उनके साथ मौजूद थी। जाह्नवी कपूर ने चाकू से नहीं बल्कि तलवार से केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट किया। और इसी के साथ सिनेमा गिरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए IBC 24।